अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने चैनल इन्फो इटली में एक न्यू वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जिसमें मैं बात करूँगा शेंजन वीज़े के लिए जो इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सर लेटर होता है, क्यों उसके बारे में आज बात करूँगा। कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की है सर कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को डाउट है। कुछ को यही पता है कि स्पॉन्सर लेटर और इन्विटेशन लेटर एक ही चीज़ है और ये विजिट वीज़ा लेने के लिए ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को ईजिली देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़े के लिए, शेंजन विजिट वीज़ा होता है, उसके लिए आपके वो इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा जो वीज़ा लगने के चांस हैं वो थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं और आपका जो है थोड़ा चांस बन जाता है वीज़ा लगने का। उसमें जो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्सर लेटर और इनविटेशन लेटर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक चीज़ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं सर ये इनविटेशन या स्पॉन्सर क्या है या ये एक ही चीज़ है, तो आज मैं उन दोस्तों को बता दूं कि इनविटेशन एक और चीज़ है, इनविटेशन लेटर और स्पॉन्सर लेटर एक और चीज़ है। इनविटेशन लेटर क्या होता है? इनविटेशन लेटर वो होता है जो कोई भी कंपनी अगर यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल मैं इटली में हूँ, तो इटली में कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री का बंदा कोई आपको एक इनविटेशन लेटर देता है या इनवाइट करता है अपनी फैक्ट्री के विजिट के लिए, तो वो आपको इनविटेशन एक सिर्फ लेटर देगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है या यहाँ पे कोई सर्कस या मेला कोई इस तरह का कोई चीज़ है, तो कोई दोस्त या कोई बंदा आपको इनविटेशन लेटर देता है, तो वो उस इनविटेशन लेटर को आप साथ लगा के वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनविटेशन एक नॉर्मल है, इसमें थोड़े वीज़े के चांस इतने ज़्यादा नहीं बनते जितने स्पॉन्सर लेटर के साथ बनते हैं। अब स्पॉन्सर लेटर अगर आप किसी से लेना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि आपको स्पॉन्सर लेटर जो लेना है वो अगर आप अपने दोस्त फ्रेंड या किसी रिश्तेदार से, आपका दोस्त कहीं, दोस्त फ्रेंड या रिश्तेदार कहीं पे भी यूरोप में किसी जगह पे रह रहा है, अगर आप विजिट वीज़े के लिए स्पॉन्सर लेना चाहते हैं, तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्पॉन्सर लेटर जो है वो कैसे लें और वो अगर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने फ्रेंड या रिलेटिव से लें तो उसमें थोड़े से आपके चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि जो आपका दोस्त फ्रेंड या रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर लेटर करेगा, वो एक स्पॉन्सर लेटर टाइप करेगा, वो किसी भी आप वकील से जाके वो स्पॉन्सर लेटर टाइप करवा सकता है। उसमें जो बंदा विजिट करना चाह रहा है या जिसको वो बंदा स्पॉन्सर करना चाह रहा है उसका नेम सर नेम लिखे, उसके बाद उसका पासपोर्ट का नंबर लिखे, उसके बाद उसमें हर चीज़ मेंशन करे कि ये मेरा फ्रेंड या मेरा रिश्तेदार जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मैं इसको जो है इसके घर का खर्चा उठाऊंगा, इसके सारा विजिट का खर्चा उठाऊंगा, इसकी टिकट का, मतलब जो चीज़ वो आपको प्रोवाइड कर सकता है या वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है या जो भी उसमें वो लिखना चाहे वो लिख सकता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखेगा, टिकट लिखेगा या घर का खर्चा लिखेगा, खाना विजिट सारा कुछ लिखेगा, तो जो बंदा पाकिस्तान या इंडिया से वीज़ा अप्लाई करेगा उसमें थोड़े से एक तो चांसेस बन जाएंगे, दूसरे उसको फिर इतने डॉक्यूमेंट रिक्वायर, अगर थोड़े डॉक्यूमेंट नॉर्मल भी होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। अब उसमें जो फ्रेंड या आपका रिश्तेदार जो आपको स्पॉन्सर करेगा, वो स्पॉन्सर करने के लिए उसके पास क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपका जो दोस्त कोई जो भी है वो उसके पास काम होना चाहिए, और उसके बाद उसके अपना एक घर होना चाहिए, उसकी एक अच्छी सैलरी होनी चाहिए जिसमें वो ये साबित कर सके कि अगर वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो फाइनेंशली इतना इस काबिल है भी कि कल को वो आपको विजिट पे मंगवा रहा है तो वो आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकेगा या नहीं। उसके लिए जब वो आपको स्पॉन्सर करेगा, स्पॉन्सर लेटर के साथ वो आप अपनी एक दो पे स्लिप लगा ले तो वो बेस्ट है, एक दो पे स्लिप लगा ले, उसके बाद अपनी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा ले, उसके बाद अपने 3 मंथ की या 6 मंथ की जो उसकी बैंक की स्टेटमेंट है वो साथ लगा ले, साथ लगाने के बाद अपने जिस घर में रह रहा है जिस जो उसके नाम पे है उसके अगर एक फोटो कापी भी, रजिस्ट्री की फोटो कापी साथ लगा दे तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये सारे डॉक्यूमेंट वो अपने साथ अपने स्पॉन्सर के साथ लगाए, लगाने के बाद वो जो जो यहाँ की मतलब का मिनिस्ट्री है, जो यूनियन काउंसिल होती है,
वहां से अगर वो स्टंप लगवा ले स्पॉन्सर से, तो वो स्टंप लगवाने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो पे अगर आपको स्पॉन्सर सेंड करता है, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा लग सकता है। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जितनी चीज़ें वो स्पॉन्सर लेटर में मेंशन करेगा, आपकी फूड, आपका घर का खर्चा, आपका जो सारा विजिट का खर्चा है, जो भी वो उसमें मेंशन करेगा, उसमें फिर ये है कि आपका थोड़ा वीज़ा लगने के चांस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इनविटेशन लेटर में इतने ज़्यादा चांस नहीं बनते, क्योंकि इनविटेशन लेटर जो मैंने आपको बताया है वो एक सिंपल है। वो कोई अगर किसी की फैक्ट्री है या कोई सर्कस या मेला या कुछ इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें वो शिरकत के लिए आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे, उसमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते वीज़ा लगने के। लेकिन जो स्पॉन्सर लेटर होता है उसमें भी ये 100% गारंटी नहीं होती कि आपका वीज़ा जो है वो लगेगा, लेकिन ये है कि आपके वीज़ा लगने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर वहाँ पे आपकी थोड़ी बैंक स्टेटमेंट कम भी है। तो यहाँ पे अगर आपको जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट या सारी अपनी पे स्लिप, अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट साथ लगा के स्पॉन्सर के वो आपको पाकिस्तान या इंडिया में भेजता है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं वीज़ा लगने के। तो इसलिए ये मेरे हालत मुझसे चीज़ें थी जो दोस्तों को थोड़ा श्योर नहीं था, तो आज मैंने आपको बता दिया है कि स्पॉन्सर लेटर एक और चीज़ है, विजिट सॉरी इनविटेशन लेटर एक और चीज़ है, और इसमें अगर आप इनविटेशन लेटर लेते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते, लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। और अगर आप को पे पास स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग बना के तो आप अपनी फाइल सबमिट करेंगे तो भी आपके वीज़ा लगने के चांस हो सकते हैं। तो इसमें यह ज़रूरी नहीं कि आपको विजिट वीज़े के लिए लाजमी स्पॉन्सर या इनविटेशन लेटर होना चाहिए। अगर आपकी फाइल स्ट्रांग है, आपकी जॉब सैलरी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो अगर आप अपनी फाइल स्ट्रांग बना के लगाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। तो एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिश करें कि जो वीज़ा है वो पहले आप किसी छोटे कंट्री का अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था आइसलैंड है, उसके बाद फिनलैंड है, इस्तोनिया है, लेटविया, लिथुआनिया और लक्समबर्ग है। ये कंट्री अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल अभी ब्लैंक है, उसके ऊपर कोई वीज़ा नहीं लगा हुआ, तो आप इन कंट्री का अप्लाई करें तो इसमें थोड़े आपके चांसेस होते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी सख्त नहीं होती और इनका रिफ्यूज़ल रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। आप लोग जो गलती करते हैं कि डायरेक्ट ही इटली, फ्रांस, जर्मनी इन कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और जब आपका वीज़ा एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको कोई भी एम्बेसी, जो बाद में आप किसी छोटी कंट्री में भी अप्लाई करेंगे, तो वो एम्बेसी आपको वीज़ा बहुत मुश्किल से देगी। तो इसलिए जब भी वीज़ा अप्लाई करें, किसी छोटी कंट्री का अप्लाई करें, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी है, तो वो और एक आपका प्लस पॉइंट है, अगर आपने दो तीन कंट्री का विजिट किया है तो उसमें वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही थी कुछ बातें जो मैंने आप दोस्तों को बतानी थी। उम्मीद है आपको इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर के रिलेटेड जो सारी बात है वो समझ आ गई होगी, कि क्योंकि इस बारे में मुझे बहुत सारे दोस्त कहते थे कि सर ये क्या है, ये कोई कहता है कि ये ज़रूरी है स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर, कोई कहता है कि इसके बगैर वीज़ा नहीं लगता, मतलब बहुत सारी बातें जो मुझे हैं वो सुनने में मिल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल हर एक इंसान का दिल है अपना बेस्ट फ्यूचर बनाने के लिए, वो यूरोप में जाने का सोच रहा है या जाने का सोचते हैं, तो अच्छी बात है, जो कोई यूरोप में आना चाहता है बिल्कुल आ सकता है। और कोई बहुत सारे यहाँ पे भी दोस्त कहते हैं जी ये यूरोप में काम के हालात ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले भी बताता हूँ, अब भी बता रहा हूँ कि हर इंसान की अपनी किस्मत है, अपनी लक है। तो आप अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप बिल्कुल आएँ। इसमें अगर कोई आपको बोलता है कि आप ना आएँ या यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि जो अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त आना चाहता है तो वो बिल्कुल आ सकता है। हाँ, यूरोप में थोड़ा सेटल होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी भी मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त को विजिट वीज़े के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा और आपको डिटेल के साथ भी जो है वो समझा दूंगा। और अगर कोई मेरा दोस्त किसी को कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं अगर उसकी समझ नहीं आती, तो मेरा दोस्त मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि
कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपके मैसेजेस का जवाब दूं, और अगर कोई मेरा दोस्त अपनी फाइल भी तैयार करवाना चाहे विदेट वीज़े के लिए, उसको कोई समय ना आ रही हो तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी फाइल बनवाने में उसकी हेल्प कर दूं, ताकि जिससे उसको विदेट वीज़ा है उसके मिलने के थोड़े चांसेस बन जाए। लेकिन 100% तो मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि, क्योंकि ये डिपेंड करता है एम्बेसी पे भी और आपकी फाइल पे भी। लेकिन ये है कि अगर आप स्पॉन्सर साथ लगाते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जल्द ही अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।